फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की बहुत सारी पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली है जहाँ पे बायो के स्ट्रेंथ और अदर स्ट्रेंथ भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये वीडियो स्पेशली मेरे यहाँ पे बायो के स्ट्रेंथ के लिए। तो यहाँ पे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लाइक इसकी सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, सारी चीजें। ओके, तो ये बायो के स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ऐसी पोस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर इस चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो सिंपली आपको क्या करना है, वेबसाइट पे विजिट करना है। वेबसाइट पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा नीचे जॉब वाला ऑप्शन, तो जॉब पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये नोटिस ओपन हो जाएगा, इस टाइप का ओपन हो जाएगा नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला, तो यहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सारी चीजें दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना है। तो जैसे ही आपके सामने ये नोटिस ओपन हो जाएगा, इसके अंदर सारी चीजें मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो देखिए, ये जो नोटिस है ये काफी पहले रिलीज हो चुका था, इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 8 अक्टूबर दे रखी है, बट ये डेट नहीं है। नोटिस जो फॉर्म का रियल मायने में जो स्टार्ट हुआ था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने अगेन नोटिस रिलीज किया था। तो फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था 13 अक्टूबर, दैट मीन्स कल ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट है आपकी 12 नवंबर, एंड आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए या नहीं उसकी कट ऑफ भी जो निकल जाएगी आपका 12 नवंबर को। ओके, बाकी सारी जो डेट है यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है। तो इस नोटिस के अंदर आपको इम्पोर्टेंट डेट नहीं देखना है, इम्पोर्टेंट डेट ओनली आपको इस नोटिस के अंदर देखना है। ओके, फिर आपको यहाँ पे काफी सारी पोस्ट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए काफी सारी पोस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर डिटेल बात करें पोस्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फूड एनालिस्ट की पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है ना आईटी की, और असिस्टेंट मैनेजर अगेन यहाँ पे पोस्ट है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लेबर वगैरह ना। अगेन यहाँ पे लाइक बहुत सारी पोस्ट है, असिस्टेंट की, हिंदी ट्रांसलेटर की, पर्सनल असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ग्रेड फर्स्ट। ओके, पे स्केल भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। टोटल यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ सीट है यहाँ पे 233 सीट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो आप कैटेगरी वाइज आप टोटल सीट भी आप देख सकते हो, जैसे फूड एनालिस्ट में आपकी टोटल 4 सीट है ना, टेक्निकल ऑफिसर की ज्यादा 3 सीट है, और ये हमारे स्पेशली बायो के स्टूडेंट के लिए 125 सीट यहाँ पे हमें मिलेगी। सेंट्रल फूड सेफ्टी यहाँ पे भी स्टूडेंट एलिजिबल है, 37 सीट है। बाकी आप देख सकते हो काफी सारी पोस्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम फी की बात करें, एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी आपकी है जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपकी 1500 रुपीज है, और अगर आप ST SC EWS वुमेन या फिर एक्स सर्विस मैन या फिर PWD हो तो उसमें आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फी लगेगी वो लगेगी 500। बाकी यहाँ पे आपकी एग्जाम स्कीम की दे रखा है कि कैसे एग्जाम होगा, लाइक ये सारे एग्जाम्स आपके नाम दे रखे। जो फूड एनालिस्ट है जिसको 10 लेवल की है, उसमें पेमेंट भी बहुत अच्छी खासी होगी आपकी। तो यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा। ओके, रिटर्न टेस्ट में भी आपके 85% मार्क्स जुड़ेंगे एंड इंटरव्यू के लिए 15%। बाकी अदर अदर एग्जाम लाइक टेक्निकल ऑफिसर, फूड सेफ्टी, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर, राइट, इनके 2 लेवल होंगे, दोनों आपके ऑनलाइन एग्जाम होगा CBT मोड पे, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड होगा। फिर उसके बाद में आपकी दोनों स्टेज की 50-50% आपके मार्क्स यहाँ पे ऐड होंगे। फिर यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर भी आप देख सकते हो, असिस्टेंट, बाकी अदर पोस्ट भी यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे ओनली CBT एक एग्जाम होगा उसी के बेस पे आपकी एंट्री होगी। यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हो, हर कास्ट में रिलैक्सेशन है। यहाँ पे जाए कहीं पे 30 एज मांगा तो वहाँ पे +5 कर लो आप, ओबीसी के लिए +3 ले, तो वो ध्यान रखना आप, और 10 ईयर, 15 ईयर, 13 ईयर, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हर पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे एक पोस्ट है आपकी फूड एनालिस्ट की, जिसके अंदर आपकी जो मास्टर डिग्री है इन केमिस्ट्री में हो सकती है, या फिर बायो केमिस्ट्री में हो सकती है, माइक्रो बायोलॉजी में भी हो सकती है, डेयरी केमिस्ट्री में, फूड टेक में है ना, फूड में, या फूड एंड न्यूट्रिशनल, और बैचलर, और अगर बैचलर डिग्री की बात नहीं है तो मास्टर डिग्री की बात होगी, राइट। अगर बैचलर डिग्री की हम बात करें तो यहाँ पे
बैचलर इन टेक्नोलॉजी इन डेयरी ऑयल एंड डिग्री इन वेटनरी साइंस एक्सेट्रा, इनमें आपकी अगर बैचलर डिग्री है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। बट यहाँ पे एक शर्त ये है कि आपका एटलीस्ट 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ओके, सेकेंड पोस्ट है आपकी टेक्निकल ऑफिसर की, जिसके अंदर काफी सारी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। पहली चीज यहाँ पे ये यह है कि आपकी जो मास्टर डिग्री है वो आपकी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से कहीं से भी हो सकती है, बट यहाँ पे केमिस्ट्री में होनी चाहिए, या फिर बायो केमिस्ट्री, या फूड टेक के अंदर, या फूड साइंस एंड टेक में, या फिर फूड एंड न्यूट्रिशनल, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, डेयरी एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल में होनी चाहिए, या फिर हॉर्टिकल्चर साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, काफी कम वैकेंसीज आती है टॉक्सिकोलॉजी में, तो टॉक्सिकोलॉजी भी एलिजिबल है यहाँ पे। फूड पब्लिक हेल्थ वाले एलिजिबल। लाइफ साइंस, लाइफ साइंस का मतलब हो गया सारे स्टूडेंट यहाँ पे आ गए लाइफ साइंस के अंदर, मीन्स बायोलॉजी वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं ना, जूलॉजी, बॉटनी, है ना, वो सारे यहाँ पे लाइफ साइंस में आ गए। बायोटेक आ गया, फूड एंड वेजिटेबल टेक आ गया, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी अगर यहाँ पे बैचलर डिग्री की बात करें तो बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, बाकी अगर हम बैचलर डिग्री की बात करें तो वहाँ पे बीटेक या फिर बी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक में, या फिर बायोटेक में, या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीजें हम देख लेना। तो यहाँ पे चीज ये है कि जो आपकी मास्टर डिग्री होती है वो बायोटेक बीटेक की इक्विवेलेंट मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। और भी सारी बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बायो के लिए सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, राइट, तो यहाँ पे आपका जो डिग्री है, यहाँ पे आपका ये नहीं पूछा गया कि मास्टर डिग्री या फिर बैचलर, यहाँ आई थिंक ये बैचलर डिग्री, राइट, तो आपका बैचलर डिग्री है इन बायोटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक, है ना, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, वेटनरी साइंस, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, या फिर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री इन मेडिसिनल वाले एरिया के अंदर आपकी होनी चाहिए। बाकी इसमें ये भी दे रखा है कि एनी अदर इक्विवेलेंट, आप इसके अलावा भी कोई भी डिग्री हो आप एलिजिबल हो, बट वो साइंस बैकग्राउंड से होनी चाहिए, मीन्स आप लाइफ साइंस वाले यहाँ पे एलिजिबल है। सेकेंड यहाँ पे है आपकी असिस्टेंट की वैकेंसी, राइट, 4 नंबर पे, जहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री मांगा गया है। बट ये है कि ऊपर की जो 3 पोस्ट हमने देखी ना, यहाँ पे ओनली बायो के स्टूडेंट ही एलिजिबल है, बट इस पोस्ट के लिए सारे स्टूडेंट एलिजिबल है, मीन्स यहाँ इस पोस्ट के लिए कॉम्पिटिशन आपका सब स्टूडेंट के साथ होगा। ओके, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो 5 जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के, जहाँ पे ओनली 12th पास आपका मांगा गया है। सेकेंड यहाँ पे आप पोस्ट 6 नंबर पे पोस्ट देख सकते हो हिंदी ट्रांसलेटर की। और भी सारी बहुत सारी वैकेंसीज है यहाँ पे, आपकी पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज है, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, तो वहाँ पे सारी ले रखा है, आईटी असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह। ओके, तो वो आप सारी चेक कर लेना। बाकी अगर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पे ये भी दे रखा है कि जो सीबीटी फर्स्ट स्टेट में होगा उसका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। अप्रोक्स इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट के अंदर यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। सीबीटी 2 का यहाँ पे थोड़ा एग्जाम सेंटर थोड़ा कम कर दिए गए, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी यहाँ पे एक अच्छा खासा है सिलेबस। तो यहाँ पे फूड एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी पे लेवल 10 है, दैट मीन्स पेमेंट बहुत ज्यादा हाई है, 1 लाख से तो ऊपर है ही, है ना। यहाँ पे एग्जाम का जो रिटर्न टेस्ट होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, फूड एनालिस्ट की ऑनली कैसे वैकेंसी जहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा। ओके, 180 मिनट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, 16 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मीन्स एमसीक्यू टाइप के यहाँ पे नहीं आएंगे। जैसे आपका ये भी दे रखा है कि कौन से पार्ट में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये वाला जो एरिया है सिलेबस के अंदर, वहां पे आपकी 4 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपको 0.2 मार्क्स कैरी करेगा। बाकी यहाँ पे आपका सिलेबस आप देख सकते हो, ये आपका सिलेबस है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग साइड। यहाँ पे आपको कुल मिला कि फूड के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये इस पोस्ट की सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। ओके, तो यहाँ पे सारी वैकेंसी सारी आपका डिटेल दे रखा है। सेकंड पोस्ट है यहाँ पे हमारे टेक्निकल ऑफिसर की, जो पे लेवल इसका 7 है। इसकी पेमेंट भी आपकी लाइक 70 हजार से लेके 1.5 लाख के बीच में आपकी हो जाएगी। इसमें आपका जो एग्जाम फॉर्मेट है, 180 मिनट का पेपर होगा, सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर पे होगा, एमसीक्यू टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। ओके, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क कैरी करेगा और माइनस मार्किंग यहाँ पे है 1 मार्क।
बाकी यहाँ पे भी सारी चीजें यहाँ पे आपकी मेंशन कर रखी है कि लाइक जनरल इंटेलिजेंस का लाइक रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, जीके के आएंगे, इंग्लिश के आएंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे। वही है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ भी ऐसे स्टूडेंट बैठेंगे जो बायो के, राइट, क्योंकि यहाँ पे अदर स्ट्रीम की इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपका कॉम्पिटिशन ओनली बायो के स्टूडेंट के लिए ही है, तो थोड़ी बहुत मेहनत कर लीजिए। एक SSC की पोस्ट आई है वो भी मैंने आपको बता रखा है, वो भी आप देख लेना ताकि उनके साथ में आपकी थोड़ी तैयारी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 10 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। एंड जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा, सब्जेक्टिव का होगा, राइट। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इंडियन इंटरनेशनल फूड लॉ के बारे में आपको पूछा जाएगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे रोल, फंक्शन, इनिशिएटिव, जो भी इसकी सारी चीजें हैं आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये सारा सिलेबस है, यहाँ पे भी 20 मार्क्स काफी। प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आपको पता होना चाहिए, पैकेजिंग कैसे क्या करते हैं वगैरह, पैकेजिंग वगैरह है ना। एंड बेसिक फूड केमिस्ट्री आपको पता होना। कुल मिला के आप यहाँ पे फूड वाले एनवायरमेंट में जा रहे हो, तो फूड के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। एक SCI की वैकेंसी भी निकलती गवर्नमेंट जॉब की, अगर वो अभी निकलेगी तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ओके, अभी तो ये FSSAI की पोस्ट ही है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करें, ये भी पी लेवल इसका अच्छा खासा 7 है। इसमें भी CBT मोड पे होगा, 180 मिनट का पेपर होगा एंड 120 MCQ आएंगे, 4 मार्क्स एक क्वेश्चन में मिलेंगे और गलत होगा तो 1 मार्क आपका माइनस हो जाएगा। सिलेबस भी यहाँ पे दे रखा है वही सिलेबस जो पीछे था। ओके, बाकी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको यही सिलेबस है जो इंडियन इंटरनेशनल फूड लो आपको पता होना चाहिए। मार्क्स भी आपका दे रखा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, ये सारा आपका सिलेबस है। फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल कॉन्सेप्ट, एनालिसिस, टेस्टिंग वगैरह सबके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सेकंड है आपकी असिस्टेंट मैनेजर की, उसमें भी आप देख सकते हो 180 मिनट का ड्यूरेशन होगा और 120 क्वेश्चन होंगे। ओके, एंड आपका 4 मार्क का पेपर हो, एक क्वेश्चन 4 मार्क कैरी करेगा और 1 मार्क आपका रिड्यूस होगा। तो ये भी आपकी पोस्ट अच्छी है आपकी। इसमें भी आप देख सकते हो वो सिलेबस है हुई है जो पीछे था। ओके, वही इतने ही मार्क्स के हैं। बाकी यहाँ पे जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है सेकेंड लेवल का वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, तो वो सारे लाइक सिलेबस यहाँ पे अच्छे खासे मेंशन कर रखी है और आपका एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ वेबसाइट पे अप्लाई ना दे रखा है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी सारी चीजें कवर कर ली है। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आप साइंस बायो के स्टूडेंट हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।